दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11 विषय इकोनॉमिक्स के मस्ट इम्पॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। यानी दोस्तों इस सवाल का कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है कितने वर्षों के दरमियान जो है जनगणना की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि गत जो है लगातार जो है 10 वर्षों के अंतराल में जो है जनगणना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर दिया गया है कि माध्यमिका आंकड़ों यानी कि समांकों को बराबर भागों में बांटता है। तो कितने बराबर भागों में बांटता है? वो 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को आप जो है ना कॉपी में नोट कर लेना, और क्योंकि एग्जाम में ना इससे कई सारे क्वेश्चन आपके 100% टच होंगे, इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ इसको अच्छे से जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इसको रिविजन आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया गया है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, जो है आंकड़ा संग्रह करता है उसको कहते हैं गणनाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा, गणनाकार। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 70-80 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 70 और 80 का मध्य बिंदु इसमें कह रहा है। तो देखिए इसमें कितना का दरमियान है, तो 10 का मतलब अंतर है, तो 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 70 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह के जो है ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समांकों को कहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी जो है अनुसंधान के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर दिया गया है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है 24, 30, 64, 50, 34 और 72, इसका जो है ना विस्तार गुणांक ज्ञात करनी है। तो इसका विस्तार गुणांक अगर ज्ञात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया है कि समांतर मध्य। ठीक है, समांतर मध्य का सूत्र है, तो देखिए समांतर मध्य का सूत्र क्या होता है? इप्साइलन एक्स बाय एन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। आपका मध्य, माध्यिका, बारंबारता, ये सब का फॉर्मूला जो है ना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है ना पूछा जाएगा। आंकड़ों का जो है संकुलन किस तरीके से किया जाता है, गुणांक का फॉर्मूला, मध्य का फॉर्मूला, समांतर मध्य का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला। ठीक है, और ये सभी को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे जो है ना आपकी की परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप जो है उसको चूकेंगे नहीं, आप बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बहुलक। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नवा नंबर दिया गया है, कथा यह पूछा गया है कि सांख्यिकी के पिता, ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया था, तो यहाँ पे दिया गया है सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी के पिता को जो है ग्राफाइड आर्केनवाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, ग्राफाइड। ठीक है, यहाँ पे ग्राफाइड है, ग्राफ्राइड होगा, तो यहाँ पे ग्राफाइड आर्केनवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दसवां नंबर दिया है कि दो चरों के बीच पारंपरिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं विक्षेप चित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी कि सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमिक्स में जितने भी फॉर्मूला है उन सभी को आप लोगों को पढ़ लेना है, उनको अच्छे से आप लोगों को दिमाग में याद रखना है, क्योंकि वो जो है ना एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला सब तो याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है?
उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी कि सूचकांक का निर्माण करने का जो सूत्र होता है वह होता है दोस्तों इप्सिलॉन P1 Q0 ठीक है यानी Q0 बाय इप्सिलॉन P0 Q0 इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया है कि श्रेणी जो है श्रेणी का n बाय फोरवां पद यानी कि n बाय फोरवां पद जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो n बाय फोरवां पद क्या है, ये क्या बता रहा है, प्रथम चतुर्थांश बता रहा है। तो n जो है नंबर वन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम छोटे से भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए निर्दर्श या प्रतिदर्श, ठीक है, प्रतिदर्श यानी कि इसको हम लोग सैंपल भी कहते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर दिया है, निम्न में से कौन सा चर खंडित है। तो कौन सा चर जो है खंडित है, तो इसका आंसर आएगा छात्रों की संख्या जो है खंडित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, किसी अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया है, यानी दोस्तों किस अर्थशास्त्री ने, किसने जो है कल्याण संबंधित परिभाषा जो है दी है, प्रस्तुत की है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से जो है आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है कि तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर कर्मबद्ध करने की क्रिया है। तो कर्मबद्ध करने की क्रिया क्या है, तो यह होना चाहिए वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण जो है सरलता, प्रश्नों की उचित क्रम और प्रश्नों की सीमित संख्या, ये तीनों है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर दिया है कि किसी अर्थशास्त्री के अनुसार अपरिकरण, ठीक है, अपकिरण पदों के विचरण का माप है। तो विचरण का माप इसमें पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बाउले, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर मध्य ज्ञात करें। तो देखिए निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर मध्य जो है ज्ञात करनी है, तो ये जो है आपका जो है आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें कि अंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या दी गई यानी कि छात्रों की संख्या दी है 2, 3, 5। अब यहाँ पे कहता है कि मध्य ज्ञात कीजिए, तो मध्य का फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी बताया, तो अब उसी फॉर्मूले से जो है आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आप इसका हल कर लेंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मैंने क्योंकि इसको जो है ज्ञात करके रखा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर दिया है कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, तो ऐसे वर्ग कौन से कहलाते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम लोग समावेशी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समावेशी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर दिया है कि यदि बहुलक जो है बहुलक z बराबर जो है 16 है और समांतर मध्य जो है x, ठीक है, x रेखा पर दिया है तो 20 है, तो माध्यिका ज्ञात करें, तो इसकी जो है माध्यिका आपको फॉर्मूले के अनुसार जो है ज्ञात करनी है, और इसके फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही होगा, और मैंने इसको जो है सॉल्व करके रखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि निर्देशांक के ऊपर है, तो निर्देशांक के ऊपर कौन है, निर्देशांक के ऊपर कौन से आते हैं, तो दोस्तों आपको पहले पता होगा कि निर्देशांक के ऊपर जो है उपभोक्ता के मूल्य निर्देशांक आते हैं, थोक मूल्य निर्देशांक आते हैं, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है, तो संचयी आवर्ती वितरण को कौन दर्शाता है, तोरण चित्र दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए
25 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट था और ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएँ और दोस्तों आपसे आप जो है हमसे ये वादा कीजिए कि एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करेंगे। नीचे कॉमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इनमें से नगद फसल कौन है, तो नगद फसल कौन है बच्चों, आपको पहले भी पता होगा और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो ये जो है ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितना मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। देखिए इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास। कपास क्या है, एक नकद फसल है। ठीक है, नकद फसल है यानी कि कैश क्रॉप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 27 नंबर दिया है कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक सॉरी बैंक को जो है IBRD के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, और इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनिवेशन। ठीक, विनिवेश कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर दिया है कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, तो मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन और शिक्षा का निम्न स्तर, ये सभी जो है एक बाधा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 29 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें दिया गया है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्य स्रोत हुए, तो दोस्तों इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, यहाँ पे दिया गया है कि सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कर को हम लोग कौन से कर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उद्योग जो है, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी कि लघु और कुटीर उद्योग में आता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि हस्तकरघा। ठीक है, हस्तकरघा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी रेखा का संबंध है, तो गरीबी रेखा का संबंध जो है वो निरपेक्ष निर्धनता से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो 34 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफ़ी VBI है और ये बार बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, और दोस्तों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और इनको आप लोग अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया है कि कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत हैं, तो अब इसका जो है स्रोत बताना है, तो कौन से संस्थागत जो है स्रोत है, तो इसका क्या होगा, तो देखिए 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाजन, यानी कि जिसको हम लोग ट्रेडर कहते हैं, ट्रेडर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया गया है कि CFC का पूर्ण रूप है, यानी कि CFC का जो है फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2012 से 2007, देखिए 5 वर्ष का अंतर है, तो 2012 से 2017 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर दिया है कि कृषि शाख के साधन हैं, तो कृषि शाख के कौन से साधन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि भूस्वामी भी आते हैं, व्यावसायिक बैंक भी आते हैं, ग्रामीण बैंक भी आते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इनमें से
से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में अधिक होता है, तो किस में अधिक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में अधिक होता है, ठीक है, इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर दिया गया है कि नवरत्न क्या है। तो देखिए नवरत्न क्या है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको रिपीट करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। नवरत्न क्या है, नवरत्न क्या है बच्चों, आपको पहले भी बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, उपक्रम हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारी, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर दिया गया है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, तो यानी कि चिपको आंदोलन जो है किस वन को बचाने का जो है उद्देश्य था और कहाँ पे किया गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो है, ये चिपको आंदोलन जो है वो हिमालय में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है किस वन के संरक्षण में किया गया, किस उद्देश्य, देखिए यहाँ पे का उद्देश्य किस वन को संरक्षण, तो यहाँ पे देखिए शहर का नाम दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा बिहार। चिपको आंदोलन से जो है बिहार से शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कई सारे विद्यार्थी हिमालय लगाते हैं, तो हिमालय आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखें, लिखा है कि किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, आयात और निर्यात के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रावधान है, तो नरेगा जो है 100 दिनों का होता है, यानी 100 दिनों का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि मनोन्मूलन का परिणाम है, तो मनोन्मूलन का जो है परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, वायु प्रदूषण, जैव विविधता संरक्षण और भूमि अवनीति, तो इसका सभी, इसका जो सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर दिया है कि मानव पूंजी में सम्मिलित है, तो मानव पूंजी में सम्मिलित कौन कौन से हैं, आपको पहले बताया होगा और आपको पता होगा क्योंकि ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव पूंजी में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक और उद्यमी दोनों, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया है कि SHG है एक, क्या है, यानी कि SHG क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर दिया है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सेकेंडरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर दिया है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDI, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में, ठीक है, इसको अच्छे से जो है याद रखेंगे। इस वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स के मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं, 50 क्वेश्चन को आपको रिपीट कर लेना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से आप लोगों को रिविजन 100% कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लग जाइए, वंदे मातरम।